हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास इस प्रकार से कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या अगर हम EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट अभी बनवाएं तो वो नीट 2020 की काउंसलिंग के टाइम पर मान्य होगा क्या, या फिर हमने नीट 2019 के लिए EWS व अन्य सर्टिफिकेट बनवाए हैं क्या वो ही चल जाएंगे या फिर अलग से सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि नीट 2020 के लिए कब के बनवाए हुए सर्टिफिकेट मान्य होंगे। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनका सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है। अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो वही सर्टिफिकेट मान्य होगा, लेकिन आप अगर EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो ये सर्टिफिकेट एक साल के लिए मान्य होता है और इसकी कट ऑफ डेट 1 जून 2019 नीट के लिए होती है। अगर आपने जिन कैंडिडेट ने 1 जून 2019 के बाद EWS व OBC सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो सारे नीट 2020 के लिए मान्य होंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 जून 2019 से पहले के हैं EWS व OBC के, तो काउंसलिंग के पहले यानी जून 2020 में आपको ये सर्टिफिकेट दोबारा बनवाने होंगे। नीट 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म आप बिना सर्टिफिकेट के फिल कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एक बार बनवाने के बाद वो भी मान्य होता है, आपको बार बार उसको भी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अभी वीडियो के अंत में यह कहना चाहूँगा कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं बिना EWS OBC SC ST के सर्टिफिकेट के नीट 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 जून 2019 के बाद बने हुए OBC व EWS सर्टिफिकेट मान्य होंगे, SC ST व डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे। सिर्फ OBC व EWS के 1 जून 2019 के बाद के बने हुए सर्टिफिकेट नीट 2020 की काउंसलिंग के लिए मान्य होंगे, लेकिन आप इनके बिना भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी थी EWS OBC और बाकी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।